आपका जो एप्रेटस है ये आप देख रहे हैं, ये है ओम्स लॉ का एप्रेटस, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसमें क्या क्या एप्रेटस में नीड होती है, एक बैटरी जनरेटर जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एक वोल्ट मीटर, एक मिली एमीटर, एक रियोस्टेट और एक की, साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस वायर भी हमको नीड होता है जो कि पैलर में लगा होता है वोल्ट मीटर के साथ। कनेक्शन आप देख लीजिए कैसे है, बैटरी इल्यूमिनेटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल मिली एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, मिली एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल यानी कि ब्लैक टर्मिनल वो रियोस्टेट के डाउन वाले टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और इसके अपर टर्मिनल से कनेक्ट होती है हमारी की सीरीज में, और की जो कनेक्ट होती है वो होती है बैटरी इल्यूमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से। इस तरह से ये आपका पूरा सेटअप हो जाता है। अननोन वायर को पैलर में लगाते हैं वोल्ट मीटर की, और ये हमारा सेटअप हो गया है ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। ओके, इसको अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ओके, हमने स्विच ऑन कर दिया है, लाइट ब्लिंक करने लगी है, और अब क्या करेंगे हम, इसको वोल्ट मीटर से वोल्टेज की रीडिंग और मिली एमीटर से करंट की रीडिंग लेंगे, दोनों की हम फिर वैल्यूज से ग्राफ बना लेंगे, उस ग्राफ से हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। क्या करेंगे, जो हमारा रियोस्टेट है इस रियोस्टेट को हम स्लाइड कराएंगे, इसकी जो जॉकी है इसको स्लाइड कराएंगे। जैसे जैसे हम स्लाइड कराएंगे मिली एमीटर में आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू बदलती जा रही है, और उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू वोल्ट मीटर में बदलती जा रही है। यहाँ से हम अलग अलग करंट की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू मेजर कर लेंगे और उनका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। थैंक यू।